असलम एवरी एवरीबॉडी इस वीडियो में हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट करेंगे इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल होती है ये एक सेल का पार्ट है अगर आपने इसके पहले वाले सेल ऑर्गेनल्स नहीं कवर किए हैं तो वो वीडियोस भी अपलोड हैं आप वो वीडियोस भी देख लें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इंडोप्लाजमिक कैटिकुलम जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गैनल होता है सेल का इसको शॉर्ट में ई ER आर भी कहा जाता है इसे शॉर्ट में ई ER आर भी कहा जाता है इंडोप्लाजमिक तो पहले मैं आपको इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के बारे में एक आउटलाइन दे दूँ जिसकी वजह से आपको पता चल जाए कि आपको इस वीडियो में क्या पढ़ना है ठीक है इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम जो है इसे शॉर्ट में ई आर बी कहा जाता है ये टू टाइप्स के होते हैं स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम स्मूथ इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए हो हैं होते हैं क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते रफ रेडिकुलम रफ इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से उसका जो टेक्सचर है वो रफ या फिर ग्रेनी हो जाता है और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि स्मूथ और रफ इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम होते हैं ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं छोटे ये बड़े भी हो सकते हैं ठीक और ये जो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कई तरह से सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे ये छोटे बड़े किसी भी तरह के हो सकते हैं अब ज़रूरी नहीं है कि स्मूथ वाले रफ़ वाले दोनों साथ में ही प्रेजेंट हो अलग अलग भी प्रेजेंट हो सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल होते हैं सारी वीडियो में कंप्लीट करेंगे वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना पूरा वीडियो देखना और अगर आपको हेल्प मिले तो लाइक जरूर कर देना ठीक है तो ये जो रेटिकुलम है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सारे यूकैरियोटिक सेल के याद रखिएगा यूकैरोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गैनल होती है ठीक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं ये सारे यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल ऑलरेडी मैंने कवर करा दिए हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर से देख लेना ठीक है तो सबसे पहले हम इसकी लेबलिंग देख लेते हैं जिसकी वजह से हमें पता लग जाए कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस को मैंने ड्रॉ नहीं किया है आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है ठीक है ये न्यूक्लियर एनवलप है और ये जो है ये ये न्यूक्लियर पोर है क्या है ये न्यूक्लियर पोर है ये ओके okay. ये इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम प्रेजेंट है अब यहाँ देखें आप इसका जो टेक्स्चर है इसका जो सरफेस है ये रफ दिख रहा है क्योंकि इस पर राइबोजोम्स प्रेजेंट है ये छोटे 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 जो राउंड बॉडीज़ हैं जो कि डॉट फॉर्म में मैंने बनाए हुए हैं बेसिकली इस तरह से होते हैं तो ये हैं राइबोजोम्स क्लियर हो गया ये होते हैं राइबोजोम्स अब ये जो पूरा है राइबोजोम प्रेजेंट होने की वजह से ये रफ़ इंडोप्लाजमिक करटिकुलम हो जाता है ठीक है राइबोजोम्स प्रेजेंट होने की वजह से ये रफ़ इंडोप्लाज्मिक करटिकुलम है अब ये जो प्रेजेंट है शीट्स फॉर्म में इस तरह से फोल्डेड 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 ये होते हैं सिस्टर ठीक है ने होते हैं ये माँ कल आप इम्पॉर्टेंट है ये अभी जो इस तरह से प्रेजेंट है ये लॉन्ग ट्यूबुल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है अभी जो इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम है ये इस तरह से ने की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है ये लॉन्ग लॉन्ग ट्यूबुल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है क्लियर हो गया अब ये जो ने हैं इसके अंदर का जो स्पेस होता है इसके अंदर का जो स्पेस होता है ये वाला भी है ये होता है सिस्टर्नल स्पेस जैसे ल्यूमिन भी कह सकते हैं ठीक है ठीके? ये होता है सिस्टर्नल स्पेस क्लियर हो गया सिस्टर्नल स्पेस ये सिस्टर हो गए रफ इंडो रेटिकुलम राइबोसोम्स अब ये जो इंडो रेटिकुलम है हमारा ये न्यूक्लियर एनवल्प से अटैच्ड है न्यूक्लियर एनवल्प से अटैच्ड है ना हम्म अब इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है इसकी वजह से ये हो जाता है स्मूथ इंडो रेटिकुलम तो ये जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस तरह से प्रेजेंट हो सकता है सपोज ये हमारा सेल है ठीक है ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस से अटैच्ड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है तो ये वन एंड से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अब तो ये वन एंड से न्यूक्लियस से अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है न्यूक्लियस ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वन एंड से अटैच है न्यूक्लियस से और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हमारी न्यूक्लियर एनवलप है ये क्या है न्यूक्लियर एनवलप ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वन एंड से ये न्यूक्लियर एनवलप से अटैच होगा और जो सेकेंड वाली एंड होगी उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा और ये फर्स्ट केस हो गया ये सेकेंड केस हो गया अब थर्ड केस में किस तरह से प्रेजेंट होता है ये हमारा सेल है यहाँ पे ये न्यूक्लियर एनवलप ये न्यूक्लियर एनवलप ये न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट हो गए ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया ठीक है तो ये इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है और इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है क्लियर हो गया अभी जो इंडोप्लाजमिक करटिकुलम है ये इस तरह से सिस्टरने के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है ये लॉन्ग ट्यूबुल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और वेसाइकल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है ये जो है ये राउंड राउंड टाइप के ये होते हैं वेसाइकल्स जिसे ऑबलोंग बैक्स भी कहा जाता है तो फर्स्ट केस इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है सेकंड केस इस तरह से प्रेजेंट होता है थर्ड केस इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है ठीक है सिस्टरने के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है और ये लॉन्ग ट्यूबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है वैसाइकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है सारे केसेस सब कुछ आपने देख लिया अब आपको पता है इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम किस तरह से प्रेजेंट हो सकता है और किस किस टाइप से प्रेजेंट हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे हम इसकी डिटेल इसके मत करना वीडियो को बिल्कुल इट इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स एंड शीट्स ये एक बड़ा सा नेटवर्क होता है बड़ा सा नेटवर्क का मतलब है कि बहुत सारे एरिया में फैला हुआ होता है लार्ज नेटवर्क का मतलब होता है कि सेल है ये सेल है ये इतने एरिया में फैला हुआ है तो ये इसने ऑक्यूपाई कर लिया अब यहाँ सिर्फ इसकी चलेगी इस इंडोप्लाजमिक रेडिकुलम की ही चलेगी यहाँ पे तो ये जो है यहाँ इसे नेटवर्क बना लिया ठीक है समझ में आ गया ये एक लार्ज नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऑफ मैम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स यस मैमब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स के फॉर्म में हो सकता है शीट्स के फॉर्म में भी हो सकता है ऑबलोंग बैक्स या फिर वेसाइकल्स के फॉर्म में भी हो सकता है क्लियर हो गया इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका बेसिक काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का ठीक है इसका बेसिक काम क्या होता है ट्रांसपोर्ट करने का अब ये साइटोप्लाज्म में ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये न्यूक्लियस होता है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो एक्सचेंज होगा मटेरियल का आना जाना आना जाना उसमें हेल्प करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में भी हेल्प करता है अगर इस जगह से इस जगह पे कोई चीज़ जाना है तो उसमें भी हेल्प करेगा और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जाना है तो उसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करेगा तो इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है क्लियर क्लियर हो गया क्लियर हो गया ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल और इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं रेटिकुलम इज एबसेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स में एबसेंट होता है एंड मेमेलियन आर में एब्सेंट होता है अब ये जो मेमेलियन आर हैं रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स तो ये जो मेमिलियन आर हैं इसमें न्यूक्लियस एबसेंट होता है इसमें माइटोकोनड्रिया एबसेंट होता है इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एबसेंट होता है ठीक है इसमें आर में न्यूक्लियस भी नहीं होता आर में माइटोकोड्रिया भी नहीं होता आर में इंडो रेटिकुलम भी नहीं होता ठीक है टू टाइप्स ऑफ इंडो प्लाज्मिक रेडिकुलम मैंने आपको पहले ही बताया है प्लाज्मिक रेडिकुलम टू टाइप्स के होते हैं रफ इंडो प्लाज्मिक रेडिकुलम एंड स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रफ इसलिए होते हैं क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं स्मूथ इसलिए होते हैं क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते एबसेंट होते हैं क्लियर हो गया अब ये जो रफ़ इंडो प्लाज्मिक रेडिकुलम है इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं आउटर सरफेस पे जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है वो ग्रेनी और रफ हो जाता है ठीक है अभी जो राइबोसोम्स हैं ये साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम्स और राइबोसोम्स कौन बनाता है ये मैंने आपको न्यूक्लियस वाले वीडियो में बताया था राइबोसोम्स बनाता है न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स कौन बनाता है न्यूक्लियोलस ठीक है राइबोसोम्स कौन बनाता है न्यूक्लियोलस और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स होते हैं साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर राइबोसोम्स जो हैं वो आउटर सरफेस से अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के जिसकी वजह से वो रफ और ग्रेनी हो जाता है और अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है तो राइबोसोम्स यहाँ बनते भी हैं सॉरी प्रोटीन्स यहाँ पे बनते भी हैं और ट्रांसपोर्ट भी होते हैं तो रफ़ इंडो रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट भी करता है प्रोटीन को क्लियर हो गया राइबोसोम्स में प्रोटीन बन रहे हैं और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट भी करता है प्रोटीन को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है इसमें राइबोसोम्स एबसेंट होते हैं यू ऑल नो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स को बनाता है अब काफ़ी लोगों को मैन्यूफैक्चर का मतलब ना बताओ उसका मतलब बताएं मेक ठीक है मेक मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स फ़ैट मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स बनाने में हेल्प करता है अब ये जो लिपिड्स फ़ैट्स मॉलिक्यूल जो होते हैं ये सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते फैट के भी कई सारी फॉर्म्स होती हैं ठीक है थीके? तो ये जो फ़ैट मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है क्या होता है ये ये किस में हेल्प करता है फैट मॉलिक्यूल ये जो फैट मॉलिक्यूल है ये जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है ये है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस उसमें हेल्प करता है काफ़ी बार क्या होता है सेल डिवाइड करता है सेल जब डिवाइड करेगा तो मेम्ब्रेन उसकी जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो ब्रेक होगी अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होगी एक सेल से जब दो सेल बनेंगे ठीक है तो कभी तो इस तरह की स्टेज आएगी इस तरह की स्टेज आती है अब यहाँ से ये धीरे 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 अलग हो जाता है जिसकी वजह से दो सेल्स बन जाते हैं ठीक है ठीके? तो ये जो मेम्ब्रेन बनती है ना इसमें हेल्प करता है ये फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इसमें हेल्प करते हैं हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन दूसरी सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं ये दैट इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजोनास ठीक है और ये जो फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड्स और स्टेरॉइड्स होते हैं ये हार्मोन्स और एंजाइम्स का भी काम करते हैं एंजाइम्स का बेसिक काम है आपको बता दूं कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट फास्टर करवाने में कोई भी केमिकल रिएक्शन है सपोज़ करिए वो थ्री सेकेंड्स में हो रही है ठीक है अगर उसके लिए सूटेबल एंजाइम मिल जाती है सेल के अंदर प्रेजेंट होती है तो वही केमिकल रिएक्शन हाफ ऑफ द टाइम या फिर उससे भी कम टाइम में हो सकती है ठीक है तो ये जो एंजाइम्स होती हैं ये बेसिकली क्या काम करती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कराने में मतलब चीज़ों को जल्दी कराने में हेल्प कर देती हैं तो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो ये जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड्स हैं एस्टेरॉइड्स हैं ये एंजाइम्स और हारमोन्स का भी काम करते हैं ठीक है और फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड्स मैम्रीन बायोजेस में हेल्प करती हैं आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना क्योंकि उसकी वजह से बहुत मोटिवेशन मिलता है ठीक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लास्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है डिटॉक्सीफाई करता है ये डिटॉक्सीफाई करता है पॉइजनस और ड्रग्स को पॉइजन्स और ड्रग्स को भी डिटोक्सीफाई करने में हेल्प करता है वर्टिब्रेट्स में ठीक है जिसमें बैक बोन प्रेजेंट होती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स मंकीज़ इन सब में क्या होता है बैक बोन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये वर्टिब्रेट्स होते हैं और पॉइजनस और ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करती है स्मूथ इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम फंक्शनस ऑफ इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस होते हैं अब ये जो इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है काफ़ी बार क्या होता है सेल के अंदर एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती हैं हार्श कंडीशन आ जाती हैं तो उसकी वजह से सेल सर्वाइव कर पाए उसमें हेल्प करती है इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम ये इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है मीन सेल के ही सेल में जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन ए से पोजीशन बी में जो किसी भी मटेरियल को ट्रांसफ़र करना होता है ट्रांसपोर्ट करना होता है उसमें हेल्प करती है इंडोप्लाम ठीक है फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन आफ्टर एवरी सेल डिवीजन ये हमने अभी यहां पे देखा था कि जब सेल डिवीजन होता है तो जो न्यू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करती है दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करती है इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिक क्लियर हो गया प्रोवाइड्स ए सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी होती हैं मीन्स सेल की जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी होती हैं क्लियर हो गया एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को कि ठीक है तो अब हम सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल करेंगे इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है सारे यूकैरियोटिक सेल से ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिक्लम है राइबोसोम्स की वजह से रफ़ और ये होती है इसकी सिस्टर ने लॉन्ग ट्यूबल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है सिस्टर ने की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है वैसाइकल्स या फिर ऑबलॉन्ग बैक के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस से भी अटैच हो सकती है न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों से भी अटैच हो सकती है और फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकती है ठीक है ये है हमारी न्यूक्लियर एनोलम ठीक है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के और डिफरेंट रीजनस ऑफ साइटोप्लाज्म के जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल होती है इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में एबसेंट होती है प्रेजेंट नहीं होती है मेविलियन और बी सीज में भी प्रेजेंट नहीं होती टू टाइप्स की होती है रफ एंड स्मूथ राइबोजोम्स प्रेजेंट होती हैं और रइबोजोम्स एबसेंट होती हैं ठीक है रफ वाली जो है जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं ये साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती हैं और राइबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोलस बनाता है और आर ई आर जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं प्रोटीन को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एडिकुलम जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड्स और इस्टरयड्स बनाती हैं और फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड्स एंड स्ट्रॉइड्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बायोजेनोस में हेल्प करते हैं फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड्स और इस्टरइड्स जो होते हैं वो हार्मोन और एंजाइम्स का भी काम करते हैं और डिटोक्सीफाई करते हैं पॉइजनस एंड ड्रग्स को फंक्शंस मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड न्यू मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती है आफ्टर एवरी सेल डिवीजन और ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी सरफेस प्रोवाइड करती है क्लियर हो गया अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है और ये मेरा फेसबुक पेज है आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको साइंटिफिक फैक्ट्स फन फैक्ट्स अमेजिंग फैक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है तो उजमाज फैक्ट्स पर थैंक यू सो मच